पर डेरा गाजी खान से जहां एंटी करप्शन हुक्काम का सर्च वारंट के बगैर पटवारी के घर पर छापा, घर में मौजूद खवातीन पर तशद्दुद भी किया गया। इसी पर बात करेंगे अब्दुल अजीज से। अब्दुल अजीज बताइएगा मामला क्या है ये। जी, डेरा गाजी खान एंटी करप्शन का कारनामा अब्दुल अजीज आपसे दोबारा राबता करने की कोशिश करेंगे। अभी खबर पहुंचा रहे हैं डेरा गाजी खान से, जहां एंटी करप्शन हुक्काम ने सर्च वारंट के बगैर पटवारी के घर पर छापा मारा, घर में मौजूद खवातीन पर तशद्दुद भी किया गया है। डेरा गाजी खान में एंटी करप्शन हुक्काम ने कार्रवाई की है, सर्च वारंट के बगैर ही पटवारी के घर छापा मारा है। अब्दुल अजीज से जानेंगे। अब्दुल अजीज बताइएगा मामला क्या है ये। जी, डेरा गाजी खान एंटी करप्शन का कारनामा सामने आया है। थाना बी डिवीजन के इलाके में एंटी करप्शन के 3 एहलकार पटवारी के घर में घुस गए, जिस पर 2000 रिश्वत का इल्जाम है। मुल्जम को पकड़ने के लिए बगैर वारंट बगैर लेडी सर्च असले के साथ घर में घुस गए और पटवारी के अहल खाना को डराया धमकाया और औरतों पर तशद्दुद भी किया, जो कि फुटेज में देखा जा सकता है। ताज्जुब की बात यह है कि एंटी करप्शन बड़े और बासर मुल्जमान को तो नहीं पकड़ती, लेकिन एक पटवारी जिसके ऊपर 2000 रिश्वत लेने का इल्जाम है, इसके घर में घुस गई। और आपको बताता चलूं, थाना बी डिवीजन के मौके पर पहुंचकर एंटी करप्शन के मुलाजमीन को थाने ले आई, कार्रवाई करने की बजाय डीपीओ के कहने पर तीनों मुलजमान को फरार करा दिया, जहां पर खातून ने एक एंटी करप्शन अहलकार को थप्पड़ भी मारा। और खातून का कहना था, अगर इंसाफ ना मिला तो पेट्रोल छिड़क कर अपने आप को आग लगा के खुदकुशी कर लूंगी। जी शुक्रिया अब्दुल अजीज।